स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इस टॉपिक को पहले ही देख चुके हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आज हमारा इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हम ऑलरेडी तीन स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ग्रोथ स्टेज और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन स्टेज। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज़ मैच्योरिटी स्टेज या परिपक्वता स्टेज या अवस्था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के जीवन में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जबकि उसके सेल्स की ग्रोथ रेट कम होने लगती है, और यही वह स्टेज होती है जबकि उत्पाद की परिपक्वता की अवस्था के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इससे उसके लाभ भी कम होने लगते हैं और जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, और जो संवर्धनात्मक साधन है उनका उपयोग बढ़ाना पड़ता है जिससे कि लाभों पर और भी अधिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट लाइन को भी ऊपर एवं नीचे इनक्रीज़ किया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। विक्रय वृद्धि दर में गिरावट होने से बाज़ार में प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर दोनों की ही संख्या में इंक्रीज हो जाता है और कंपटीशन बढ़ता है, प्राइसेस कम होने लगती है, एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन व्यय में वृद्धि होने लगती है क्योंकि प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। और इतना ही नहीं होता है, कंपटीशन में टिके रहने के लिए प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इन सब का इफ़ेक्ट लास्ट में प्रॉफिट में कमी के रूप में होता है। तो ऐसे में उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी से बाहर होना पड़ता है और केवल जो बहुत ही साउंड इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो ऐसे कंपटीशन में टिकी रहती हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का मैच्योरिटी स्टेज ये मान के चलता है कि प्रतिस्पर्धा तीव्र होने से लाभ कम होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट मिनिमाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें सैचुरेशन स्टेज या संतृप्ति अवस्था। प्रोडक्ट जैसे जैसे सैचुरेशन अवस्था की ओर चलता है वैसे वैसे मैच्योरिटी में भी पाने वाली सारी स्थितियां और ज़्यादा प्रखर होने लगती है, या इन अदर वर्ड्स इफ वी से कि कंपटीशन और ज़्यादा तीव्र हो जाता है और सारा बाज़ार मार्केट अनेक ब्रांड के उत्पादों से सैचुरेटेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए उत्पाद उपयोग को खोजकर, या अगर आप कपड़ों का एग्जांपल लें तो फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में जो मिडिल मैन है उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि संस्था उन पर डिपेंडेंट हो जाती है ताकि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बनी रहे। तब अपनी संस्थाएं लागतों को घटाने के तरीके ढूंढने लगती है कि कैसे लागत कम हो जाए जिससे कि जितना कॉस्ट है उतना कॉस्ट तो उस प्रोडक्ट का मिल जाए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस तरह से ये सैचुरेशन स्टेज होती है। और उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या पतन अवस्था। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इस स्टेज में प्रोडक्ट का जो इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा ऊंचा उठता हुआ ग्राफ होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और विक्रय निरंतर गिरता जाता है। मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था दूसरे प्रोडक्ट्स के आने के बाद में धीरे धीरे ये एब्सोल्यूट होने लगता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने पर सेल्स के गिरने के कुछ अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो गया है, तकनीक में परिवर्तन हो गया है, या अत्यधिक कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है। तो इन सब कारणों से सेल्स और लाभों में भारी कमी होने लगती है और ऐसे में कई संस्थाएँ अपना बिजनेस भी बंद कर देती हैं, और जो संस्थाएं टिकी रहती हैं वे भी अपने उत्पादों की संख्या को घटा देती है और दूसरी प्रोडक्ट लाइन कंपनी के द्वारा चालू कर दी जाती है। इतना ही नहीं, वे जो छोटे बाज़ार क्षेत्रों और छोटे मिडिल मैन
को भी छोड़ देती हैं और अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस में भी कटौती कर लेती है, तो वे अपने उत्पादों के मूल्य को भी घटा लेती है। तो इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है और तब उसे नीचे मूल्यों पर भी बेचना कठिन हो जाता है। उसे जारी रखने के लिए संस्था के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ने लगता है, तो इससे संस्था की गुडविल पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जबकि उस संस्था को उस उत्पाद को त्यागने का निर्णय करना ही पड़ता है। और जब यह ख़त्म हो जाता है तो तब कंपनी को नया प्रोडक्ट लाइन या तो स्टार्ट करना पड़ता है, जिससे कि उस प्रेजेंट प्रोडक्ट जो कि डिक्लाइन स्टेज की तरफ जा चुका है उसको बंद करके नए प्रोडक्ट की तरफ कंपनी का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और कंपनी इस तरह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दूसरे प्रोडक्ट के साथ में करने लगती है। तो इस तरह से ये विभिन्न स्टेजेस थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें कि हमने ये डिस्कशन किया कि कैसे एक प्रोडक्ट बनता है, धीरे धीरे उस का इंट्रोडक्टरी स्टेज आता है, साथ में इंट्रोडक्शन के बाद में उसकी ग्रोथ होती है और मार्केट में ग्रोथ होने के बाद में उसकी मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है और बाद में सैचुरेशन लेते हुए वह डिक्लाइन स्टेज की ओर बढ़ जाता है।